नमस्कार स्वागत है आपका एनबीसी की पेशकश खास मुलाकात पर मैं हूं आपका होस्ट रत्नाकर दुनिया काफी आगे निकल गई है अगर हम महिला और पुरुषों की बात करें तो महिला और पुरुष आज एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं लेकिन इसके बावजूद महिलाओं की अपनी एक विशेष एक स्पेस होती है उस स्पेस का अपना महत्व होता है और उनको उस कंफर्टेबल वातावरण देना भी हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन भी है दुनिया में है नागपुर में भी है जो महिलाओं के इस विशेष दर्जा और एक अच्छा स्पेस देने की कोशिश करते हैं जी हाँ है मैं बात कर रहा हूं क्यूमि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन नागपुर जो कि नागपुर में स्थित है और आज हमारे साथ में इस कॉलेज के प्रिंसिपल जो है डॉक्टर मिलिन खानापुरकर सर आज हमारे साथ में यहां पर उपस्थित है हमसे बात करने के लिए क्यूमिंस कॉलेज के बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए सर का अनुभव तीस वर्षों से अधिक का है एजुकेशन फील्ड में और उनका अब तक का सफर जो है उन्हीं के से जानते हैं और सबसे पहले मैं सर का स्वागत करता हूं डॉक्टर मिलिन सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में नमस्कार डॉक्टर साहब हम कॉलेज की तो बात करेंगे करेंगे लेकिन आप प्रिंसिपल है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर में इस कॉलेज की तो हम सबसे पहले आपका जो एजुकेशन फील्ड का जो है अनुभव हम उसके बारे में जानना चाहेंगे सर्वप्रथम मैं आपके सवाल का जो जवाब है वो देने से पहले मैं बी सी एन केबल नेटवर्क को धन्यवाद देता हूँ और महर्षि करवे श्री शिक्षण संस्था का जो कमिन्स परिवार है हमारा जी उसके तरफ से सभी आपके जो uh, चैनल के जो uh, दर्शक है उनको एक uh, हमारे तरफ से एक वॉर्म विशेष देता हूँ थैंक यू थैंक यू और uh, अभी जो uh, सर्वप्रथम एडमिशन का जो दौर चल रहा है जी uh, उसमें जो भी पालक अभिभावक और जो छात्र छात्राएं हैं, उनका उनको सभी को अभिनंदन करके उनको एक बेस्ट विशेष देता हूँ एडमिशन प्रोसेस के लिए जी जो की आज अभी चल रही है जी। और सब्सिक्वेंटली uh, आने वाले पूरे उनके इंजीनियरिंग करियर के लिए रही आपकी बात कि आपने जो सवाल पूछा है जी कि इंजीनियरिंग कॉलेज का जो एक अपना ये है आ, जो उसकी अब तक का जो एक जर्नी हुई है तो हमारा जो कमिंस परिवार है जी। आ, ये महर्षि करवे स्त्री शिक्षण संस्था जो है ये महर्षि धोंडो केशव कर्वे जी ने एक साल पहले जी स्त्री शिक्षा के एक उपलक्ष में स्थापना की थी जी और वहां से निरंतर उन्होंने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में एक अपना योगदान दिया है और कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है जिसका बेसिक इंजीनियरिंग कॉलेज जो पुणा में है इस संस्था के अंतर्गत वो आज से तीस साल पहले वहाँ पे स्थापित हुआ था और नागपुर की जहाँ तक बात है 2010 नागपुर में महर्षि श्री शिक्षण संस्था द्वारा कमिंस कॉलेज की स्थापना हुई।, हुई उसके पहले करीबन दो पास से श्री महर्षि श्री शिक्षण संस्था जी नागपुर में कार्यरत थी और है तभी से है 2005 के करीब से मगर जहाँ तक इंजीनियरिंग कॉलेज की बात है तो 2010 से कमिन्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर फॉर वुमेन ये आ, इसका आरंभ हुआ और नागपुर के जो बगल में हिंगना क्षेत्र है जी आ, वहाँ पे एक सुखड़ी करके गाँव है बाजू में जी वहाँ पे हमारा एक 22 एकड़ के विस्तृत कैंपस में हॉस्टल के साथ में हमारा एक इंजीनियरिंग कॉलेज है हम ये दावा करते हैं और सभी को मैं आपके दर्शकों को आश्वस्त करता हूँ मेरे तरफ से जी कि हमारा कैंपस एक सेफ एंड सिक्योर कैंपस जो मतलब एक लेडीज के लिए महिलाओं के लिए महिला स्टूडेंट्स के, के लिए जो एक सुरक्षित की जो हम शुरुआत में ही बात कर रहे थे कि वातावरण उनको मिलना चाहिए एक स्पेस तो उनको मिलना हम चाहिए। एक प्रयास करते हैं कि उनको एक सेफ एंड सिक्योर कैंपस मिले क्यों कॉलेज से आप सर जुड़े हुए हैं हाँ। तो हर एक इंस्टीट्यूट के कोई स्ट्रेंथ होती है कोई एक मजबूत पकड़ होती है क्यूमस कॉलेज की ऐसी क्या एक बेसिक स्ट्रेंथ है कमिन्स कॉलेज का बेसिक स्ट्रेंथ है इंडस्ट्री सपोर्ट जी हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज अगर इंडस्ट्री से रिले इंडस्ट्री सपोर्ट से चलता है जी तो हमारा तो नाम कमिन्स के कमिंस एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जी मैकेनिकल कोर फील्ड में इट इज यूएस बेस्ड कंपनी ओके तो उनके तरफ से हमें बहुत सहायता मिलती है और उन्हीं के नाम से ये कॉलेज है तो कमिन्स इंडिया लिमिटेड और उसके साथ में जो बाकी इंडस्ट्रीज है अलाइड इंडस्ट्रीज वो भी हमारे साथ जुड़ी है तो ये हमारा सबसे अच्छा स्ट्रेंथ है और हमारा एक हम बोल सकते कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम लोग इस क्षेत्र में सपोर्टेड इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ जुड़ेंगे अब डॉक्टर साहब कई बार जो होता है कि एक एजुकेशन इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और आज का अगर हम दौर देखेंगे गए, मतलब गए तीन चार साल की या उससे भी पहले की तो लोगों का मतलब स्टूडेंट्स का जो है प्रेफरेंस जो आ रहा है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आई की तरफ जा रहा है अब क्योंकि हो सकता है कि उसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी मन में एक सवाल ऐसा आता है कि ये कोर्स तो हम कर लेंगे ये कोर्स कई जगह पे उपलब्ध भी होंगे तो ऐसे में क्या प्रेफर करना चाहिए इंस्टीट्यूट की कोर्स या कैसे इसको कैसे डिसाइड करें या प्रेफरेंस क्या आ, होना चाहिए स्टूडेंट्स का मेरे हिसाब से सबसे पहले इंस्टीट्यूट को प्रेफरेंस देना चाहिए जी अगर इंस्टीट्यूट आपको अच्छे से ग्रूम करने में हेल्प करता है हुँ. तो आपकी ब्रांच थोड़ी इधर उधर रही तो भी चलेगा क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि हर कोई कंप्यूटर की, <laughs> की बात करता है जी हर कोई कंप्यूटर ब्रांच की बात करता है और हर किसी ब्रांच पे कंप्यूटर है बिल्कुल चाहे कोई भी फील्ड आप भी आप, ले ले आप, कोई भी फील्ड ले लीजिए जी ना बल्कि इंजीनियरिंग कॉलेज की ब्रांचेस मगर आप ह्यूमन लाइफ ले लीजिए बिल्कुल फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग एंड टिल यू गो टू बेड नाइट यस कंप्यूटर इज इन्वाल्व इन ह्यूमन लाइफ यस इवन पार्ट ऑफ इवन व्हाट व्हाट आर वी आर टॉकिंग एंड वी आर शेयरिंग विद द पीपल दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी तो जैसे आप बोलते हैं कि मैकेनिकल ब्रांच है जी अब मैकेनिकल ब्रांच में भी कंप्यूटर के बहुत से कोर्सेज अभी आए हैं जी तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने वाले छात्र अगर चार साल कंप्यूटर के कोर्सेस पढ़ते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने वाले छात्र या सिविल इंजीनियरिंग करने वाले छात्र भी करीबन बहुत से कोर्सेज कंप्यूटर के रिलेटेड पढ़ते हैं है। उनको भी कंप्यूटर का नॉलेज लेना पड़ता है और लेते हैं जिसका उनको अपने अपने फील्ड में उपयोग होता है तो इस तरह से मतलब जो है इंस्टीट्यूट आपके हिसाब से मायने रखता है कोर्स तो है ही कोर्स तो इम्पोर्टेंट है ही को, ब्रांच का 19 बीस रहेगा थोड़ा सा तो मतलब अपॉर्चुनिटीज उनको अगर वो ब्रांच चेंज भी कर दे तो उनको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है आजकल आ, एजुकेशन फील्ड में एक कैप राउंड का बड़ा खेल चल रहा है तो ये खेल भी बड़ा मतलब ये एक एजुकेशन की बात करे या गेमिंग जोन की जैसा हो गया है तो और इसके लिए भी फिर वही जद्दोजहद हो जाती है कि ऐसे कॉलेज चुनो जहाँ पर उनको प्रेफरेंस मिले नहीं मिले तो ये कैपराउंड हमारे दर्शकों को आप समझाइए ना और स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली ये, ये, ये ना अभी जो एडमिशन का दौर चल रहा है जी उसको देखते हुए ये सवाल जो आपने पूछा ये बहुत अच्छा सवाल है जी मैं आप ये सवाल के माध्यम से और मेरा जवाब जो मैं देना चाहता हूँ जी आप सभी के जो दर्शक है आपके उनको विशेष रूप से जो स्टूडेंट्स हैं हाँ, यंग स्टूडेंट्स हैं उनके स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स uh, पेरेंट्स जी तो देखिए क्या है कि नो वन इज सैटिस्फाइड नोवेयर यस दैट इज अ बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी अगर आपका पहला चॉइस आपको नहीं मिलता है हम्म हम तो आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो मगर फिर आप कब तक इसके पे खेलते रहोगे यस yes. पहला राउंड ठीक है आपने थोड़ा बहुत आपको लग रहा था मगर पहले राउंड के बाद में आपको बहुत से इंस्टीट्यूट का बहुत से ब्रांचेस का कट ऑफ पता पड़ जाता है ओके जो लिस्ट आती है जी, जी, कट पता पड़ जाता है ओके उसी में आपको अंदाजा जाता है कि आपको आपका जो कॉलेज इंडेक्स है वो हाँ, तो मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है ओके फिर जानबूझ के उस ब्रांच का अटका के रखना या जानबूझ के वो प्रोसेस में रहना मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है ऑलवेज इन दैट लूप कि अभी एडमिशन मैंने फ्रीज करके फ्रीज नहीं की है मेरा एडमिशन अभी होने का है उससे अच्छा अगर आपको मॉडरेटली आपके चॉइस के अनुसार अगर ब्रांच और कॉलेज मिल गई है पहले राउंड में या जहां तक हो सके से सेकेंड से राउंड में तो मुझे लगता है कि आपने वो चॉइस फ्रीज कर देनी चाहिए नहीं तो उसका अंत कहीं तक नहीं है और आपके लिए मैं ये बताता हूँ कि ऐसे जो लोग आखिरी तक इसमें खेलते रहते हैं जी थर्ड राउंड के बाद में इतने कंफ्यूज हो जाते हैं और, और शायद उधर हाँ फ्रस्टेड आपने शब्द शायद बहुत सही कहा जी कंफ्यूज और फ्रस्टेड हो जाते हैं कि उनको फिर पता ही नहीं रहता कि क्या करना है हाँ, और, उस वक्त, और उस वक्त शायद कई सारी चीजें उनके हाथ से निकल भी चुकी हो और ये सब में अगर एक आधा अच्छा छात्र है जिसको वो कॉलेज मिलना है मगर आपने ब्लॉक करके रखा है मगर उसको नहीं मिल रहा है उसके कारण उसको नहीं मिल रहा है तो उसका नुकसान हो जाता है बिल्कुल सही बात है तो कम से कम ऐसे बच्चों के लिए ऐसे बच्चों के लिए ऐसे स्टूडेंट्स के लिए तो भी आप ये गेम में यानी ये ये पूरे राउंड को बहुत ज्यादा तक खींचना नहीं चाहिए खींचना नहीं चाहिए शुड नॉट बी स्टेच टू अपू दैट लेवल यू आर लूजिंग यूर एजुकेशन स्टेटस डॉक्टर साहब आप एक वुमेंस कॉलेज को लीड करते हैं और वुमेन्स मतलब एक गर्ल्स स्टूडेंट्स की तरफ देखने का इवन मैं महिलाओं की भी बात करूं तो सामाजिक नजरिया और महिलाओं का नजरिया भी कुछ फील्ड्स के लिए रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं जैसे मैकेनिकल ब्रांच की हम बात करें तो आज भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ जाने के लिए महिला हालांकि नहीं है ऐसी बात नहीं है आपका क्या अनुभव रहा है इसमें और आप क्या इस पर रोशनी डालेंगे कि महिलाओं ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग को प्रेफरेंस देना चाहिए और क्यों देना चाहिए और, और कैसे करना चाहिए बिल्कुल महिलाओं ने महिला मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच को प्रेफरेंस देना चाहिए बल्कि बाकी सब ब्रांच को छोड़ के ज्यादा देना चाहिए क्योंकि मैं जहां तक मेरे कॉलेज के छात्राओं को देखता हूँ मैकेनिकल ब्रांच में वर्कशॉप में काम करते हुए जी तो दे आर नो वेयर बिहाइंड मेल काउंटर पार्ट विच आर इन दी अदर इंस्टीट्यूट दे आर इक्वली परफॉर्मिंग देयर प्रैक्टिकल्स इक्वली परफॉर्मिंग जब से मैं आपको एक बताना चाहूंगा जी एक कुछ दिन पहले मैं हमारे कमिन्स का जमशेदपुर में एक प्लांट है ओके कमिंस कंपनी का जी वहां पे मैं गया था Uh, कुछ मेरी ऑफिशियल काम था वहां पे हुँ. तो आई मेट विथ प्लांट मैनेजर ओवर देयर ओके तो हमारे कॉलेज के एक छात्र वहां पे एम्प्लॉयड थी फ्रॉम okay, नागपुर ब्रांच हाँ हमारे मेरे डिपार्टमेंट की ओके okay, ओके okay. तो जब मेरी उनसे बात चल रही थी तो हुँ. उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली वो लड़की के बारे में बताया एंड टू आई वॉज वेरी मच ग्लैड एंड प्राउड कि उन्होंने ये बताया कि ये लड़की बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द प्लांट ओके इसको अवार्ड मिला है

और आई कैनॉट डूस दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा बीच में कहीं तो भी सुना था और आपने भी शायद आ, कभी सुना होगा जी कि हम देखते कभी एक फ्लाइट में क्रू मेंबर पूरे लेडीज लेडीज है। रहती है स्पेशली जो कस्टमर्स को अटेंड करती है yes. यस या, या वो भी है और दूसरा भी पायलट भी पायलट्स भी है पायलट भी पूरा क्रू में फीमेल पायलट यस Uh, और उसमें uh, एक अभी और एक बीच में कोई न्यूज आई थी कि टेलको का एक प्लांट है कहीं तो भी आई एम नॉट एक्टली नोइंग वो पूरा प्लांट लेडीज चलाती है थ्रूस प्लांट प्रोसेस प्लांट इंपॉर्टेंटली प्रोसेस प्लांट क्योंकि हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लड़कियों की बात कर रहे हैं येस yes. तो प्रोसेस प्लांट जहां पे पूरी लड़कियां ऑपरेट कर रही है या आपका जो फ्लाइट का क्रू मेंबर है वो पूरी जगह महिलाएं ऑपरेट कर रही है या फिर मेरे कॉलेज की जो लड़की हाँ। जिसके प्लांट मैनेजर ने मुझे बताया कि आपके स्टूडेंट को जो हमारे यहाँ पे प्रोसेस इंजीनियर है प्रोसेस प्लांट में इंजीनियर करके काम करती है उसको बेस्ट इंजीनियर करके बेस्ट एम्प्लॉय करके अवार्ड मिला शी हैज़ कॉम्पिटेड अमंग्स मेनी मेल मेंबर्स मतलब हम ये कहें इन शॉर्ट और समझने वाली भाषा में तो अपॉर्चुनिटीज मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या ऐसी कई ब्रांचेस है ऑटोमोबाइल की ब्रांच भी अगर हम कहें तो वहाँ पर लड़कियों के लिए स्कोप्स ज्यादा है जादा। और उस स्कोप्स का आपने जो है उसका अनुभव लेना चाहिए बिल्कुल आज दौर के दौर की अगर बात करें तो सर जो इंडस्ट्री है ना एक कॉम्प्लेक्स डिवीजन में चल रही है हम चाहे हम लेबर वाइज बात करें इंडस्ट्रीज की बात करें हर तरफ हर डोमेन में स्पेशलाइजेशन तो हो ही रहा है और आज का जो दौर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रहा है और हम कंप्यूटर साइंस की बात कर ही रहे हैं तो इन सब चीज़ों के बीच जो ये कोर ब्रांचेस की हम बात कर रहे हैं तो इसमें भी पूरा कंफ्यूजन हो जाता होगा लड़कों को स्टूडेंट्स को या तो इसमें हम कैसे रोशनी डाल सकते हैं कंफ्यूजन होता है देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग ये सब जो चीजें हैं ये कहाँ पे ऑपरेट होने वाली है ये बेसिक इंजीनियरिंग सिस्टम पे ऑपरेट होने वाली जी। है जी आज ए हम जो बात करते हैं वो ए अगर ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑपरेट हो रहा है तो ए ऑटोमोटिव सेक्टर में कहां पे ऑपरेट हो रहा है मशीन इंजिन के ऊपर ऑपरेट हो, yes. उपर उपर हो रहा है इंजिन के ऊपर ऑपरेट हो रहा है यानी उसको कोर नॉलेज रहना जरूरी है करेक्ट तो देर इज नो एंड टू कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस इवन इफ

व्हीकल्स थी वो पूरी कंबक्शन इंजिन से चलती थी यस yes. आजकल हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं ईवी ईवी की की बात करते की की बात करते करते हैं हैं अब ईवी की बात जब हम करते हैं तो ईवी में या फिर सादे गाड़ी में भी पूरे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स लगे हैं अब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट यानी क्या है पूरे कंप्यूटर्स उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कहीं तो भी उनका कंट्रोल कंट्रोल तो ये सब चीजें हैं बेसिकली दे आर ऑपरेटिंग अप ऑन मेकेनिकल सिस्टम सो इट मीन की uh, हम लोगों ने जो है इन सब चीजों का हवा ना करते हुए वी शुड एक्सेप्ट ऑल दिज थिंग्स यस एंड एंडो एक तरीके से अगर हम इसको फॉलो करें तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें जो है हमारे मतलब समझ के बाहर जाएगी फंडामेंटली हम अगर ये सब फंडामेंटल ब्रांच में हम अगर पूरा क्लियर रहे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा साइंस मशीन लर्निंग ये सब चीजों का अगर इसमें अप्लाई करते रहे तो मेरे ख्याल से देर इज लार्ज स्कोप एजुकेशन तो कॉलेज में सर होता ही होता है और जहां हम वुमेन्स कॉलेज की बात करते हैं तो, तो एक वाइटल ग्रोथ की हम बात करते हैं एजुकेशन के साथ साथ में कुछ करिकुलर एक्टिविटीज भी होनी चाहिए कुछ एक आ, ऐसी भी चीजों में ग्रोथ होना चाहिए अपने स्टूडेंट्स का कि जो उनको एजुकेशन के साथ साथ में उनके करियर के लिए एक बूस्ट करके दिया जाए ऐसे क्या क्या प्रैक्टिस हमारे कमिन्स कॉलेज में चलती हैं कमिन्स कॉलेज इंश्योर्स की बच्चों को सिर्फ ना सिर्फ पढ़ाई की ही लिए किया जाए मगर बाकी जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट हो गए जी कम्युनिकेशन स्किल एनहांसमेंट हो गया बाद में करिकुलर एंड करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई को करुलर एक्टिविटीज़ हो गई कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गई ये सब हमारे यहाँ पे हम लोग अच्छे से करते हैं उसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसमें भी हमको हमारे जो सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ है स्पेसिफिकली कमिन्स या एस सी एल जी दे आर प्रोवाइडिंग अस स्किल एक्सपर्टाइज स्किल डेवलपमेंट एक्सपर्टाइज जैसे हमारे यहाँ पे एप्टिट्यूड ट्रेनिंग का पूना से कमिंस uh, के लोग हमको सपोर्ट uh, करते हैं जी और हमारे यहाँ पे बच्चियों को हमारे ट्रेनिंग देने के लिए दे आर अ सेशन राइट सो ये चीज एक हो गई जो प्लेसमेंट एम्प्लॉयबिलिटी एनहांसमेंट के लिए बहुत सी उपयुक्त रहती है जी दूसरा कल्चरल एक्टिविटीज में हमारे यहाँ की लड़कियां बिल्कुल फ्रंट पेज पे फ्रंट इस पर रहती है उसके साथ में स्पोर्ट्स का भी एक्टिविटीज हमारे यहां पर हम लोग अच्छे से कंडक्ट करते हैं मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये जो पूरी एक्टिविटीज है इसमें दीज आर ऑल ग्रुप एक्टिविटीज और ग्रुप एक्टिविटीज में कैसा है कि एक टीम वर्क लड़के इन्वॉल्व है जी तो सब लड़कियां इन्वॉल्व होने की वजह से सबको सब काम करना पड़ता है अगर कंबाइन ग्रुप रहा तो उसमें क्या है ये काम लड़कों का है तो ये लड़के करेंगे बिल्कुल और आपने जो जवाब दिया ना उसमें मैं यही पूछने वाला था कि मतलब क्यों लड़कियों ने ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेनी चाहिए जहां पर सिर्फ लड़किया ही है क्यों ना उन्होंने ऐसे भी कॉलेज प्रेफर करें जहां पे लड़के और लड़कियां दोनों साथ में हाँ तो ये इसमें ऐसा है कि अगर देखिए आपके आ, आ, आप अगर कुछ ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हो जी जी. जैसे प्रोजेक्ट है हाँ या कुछ कल्चरल एक्टिविटी में ग्रुप एक्टिविटी है यस तो उसमें कैसा हो जाता है बाय डिफॉल्ट ऐसा डिफाइन हो जाता है कि कोऑर्डिनेशन लड़के करेंगे हाँ बेसिक काम कुछ तो भी ये लड़कियां करेंगे जी मगर दैट बिकम अ मेल डोमिनेंट प्रोसेस मेल डोमिनेंट बोलिए बराबर आप, uh, है या फिर सेपरेशन हो जाता है यस yes. कि जैसे मुझे अगर बाहर से जाके कोई चीज लानी है तो वो चीज लड़के, चीजें लेके आएंगे मगर यहाँ पे कैसा है कि अगर पांच लड़कियों का एक ग्रुप बनता है हुँ, हुँ, तो पाँचो लड़कियां है जी और पांचों को कुछ भी एक्टिविटी करनी है तो उनको है या फिर कल्चरल एक्टिविटी है उनको उसका स्टेप वन से स्टेप आखिरी तक उनको पूरा उन्हीं को इंप्लीमेंट करना है यानी लड़कियों को इम्प्लीमेंट करना है प्लानिंग भी उनको करनी है डिजाइन भी उनको करना है इम्प्लीमेंटेशन भी उनको करना है एग्जीक्यूशन भी उनको करना है और आखिर में रिजल्ट भी उनको ही मिलने है उनको मिलना है मतलब सारी जो चीजें हैं जो शुरुआत से लेके आखिर तक जो है उन्हीं को करनी है मैं आज के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा आजकल एक मूवी जो है मराठी मूवी ज्यादा चल रही है और वो लगता है कि आपके कॉलेज से ही प्रेरित हो के बाईपन भारी जो मूवी चल रही है आ, और सच में अगर आप देखेंगे तो उसमें सारी चीजों में जो है महिलाओं को ही और फीमेल को ही सब करना है और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने के जो आपसे अब तक बात करते में जो मुझे समझ में आया कि वो यही है कि लिमिटलेस वर्ल्ड है और लड़कियों के लिए कोई लिमिट होनी नहीं चाहिए जो आप हम कहते हैं कि हम कोई लिमिट सेट करते हैं तो यहां पर आप लिमिट्स को एक्सपांड कर रहे हैं बिल्कुल अब मेरा सर एक सवाल इम्पोर्टेंट जी लिमिट्स को एक्सपैंड कर रहे हैं या हम लिमिटलेस हाँ इसमें मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा जी हॉरिजेंटली एक्सपैंड कर रहे हैं और वर्टिकली एक्सपैंड कर रहे हैं वाह यानी डायमेंशन भी बढ़ा रहे हैं। और हाइट्स भी बढ़ा रहे वाह ये दैट इज अ वेरी स्पेसिफिक और पर्टिकुलर रिप्लाई आई वुड से और यही अगर यह हमारे जो जितने दर्शक है और तो स्टूडेंट जो है आने वाले स्पेशली अगर फीमेल कैंडिडेट अगर समझे तो एक एक लिमिटलेस चाहे होरिजोनटल हो या वर्टिकल uh, हो आपकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज उतनी है बिल्कुल अब सर हम इंजीनियरिंग की तरफ जब देखते हैं इंजीनियरिंग कोर्सेज की तरफ देखते हैं तो हमें यह लगता है कि इंजीनियरिंग करने से हमारा एम्प्लॉयमेंट के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे yes. तो ऐसे वक्त में फिर कंफ्यूजन आता है कि हम फिर कैसे कौन से इंस्टीट्यूशन में जाए जहां से हमको एम्प्लॉयमेंट के रास्ते आसानी से मिल सके आम भाषा में कैंपस इंटरव्यूज और वहां से अपॉर्चुनिटीज कमिंस कॉलेज ऑफ वुमेन ये क्या अपॉर्चुनिटीज मुहैया कराता है स्टूडेंट्स को कमिंस कॉलेज में मैं आपको ये बताता हूं कि आप अगर पिछले तीन साल का प्लेसमेंट अगर स्टैटिस्टिक्स अगर देखे जी. तो करीबन सत्तर से अस्सी परसेंट के ऊपर लड़कियां एम्प्लॉय हुई है जी कॉलेज ऑन कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव के थ्रू न सिर्फ कि ये हुआ है मगर जिन लड़कियों को प्लेसमेंट मिला है उनको उनके फील्ड में प्लेसमेंट मिला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा मैकेनिकल में अगर लड़की ग्रेजुएट होती है जी तो हम पहले ये इंश्योर करते हैं कि उसको मैकेनिकल रिलेटेड कोर ब्रांच और कोर कंपनी का ही अपॉर्चुनिटी मिले जी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर जो है वो थोड़ा मिक्स चलता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की किया कंप्यूटर फील्ड में जा सकती है या वाइस वर्षा जी वैसे तो हम पहले बता चुके हैं कि हर जगह पे कंप्यूटर है तो एवरी वन कैन ट्रेवल एनी एवरीवेयर यस एवरीवेयर कैन एवरी वन कैन ट्रांसफॉर्म एनी एवरीवेयर बट मैकेनिकल ब्रांच में वो लड़कियों को मैकेनिकल कोर सेक्टर की कंपनियाँ ज्यादा इसमें हमें फिर से मैं आपको ये बताना चाहूँगा जी हमें कमिंस का बहुत सहयोग मिलता है जी जो कमिंस हमारे साथ नाम जुड़ा है जी उसके कारण बहुत सी कंपनियां हमारे तरफ इस नजर से देखती है कि इसमें कम टू अस फॉर प्लेसमेंट यस लाइक एमजी मोटर करके एक कंपनी है जी मैकेनिकल uh, ऑटोमोटिव uh, सेक्टर में यस दे कम टू अस प्रोबेबली वी आर द ओनली इन द रीजन वेयर दे कम एंड एम्प्लॉय अवर स्टूडेंट्स एक ये तो है की नंबर ऑफ प्लेसमेंट आर मोर सेकेंड एक है कि कोर कंपनीज का प्लेसमेंट ज्यादा है इम्पोर्टेंटली थर्ड ऐसा बताना चाहूंगा एग्जाम्पल के साथ में yeah, कि हमारे यहाँ पे पैकेज जो मिलता है को वो पैकेज भी बहुत अच्छा रहता है जैसे लास्ट ईयर मेरे यहाँ पे कॉलेज में जो uh, सभी लड़कियों का प्लेसमेंट हुआ उसमें एवरेज पैकेज करीबन एट लाख ,00 के करीब था एट लाख ,00 पर एनंदुकिंग एक uh, लड़की लास्ट ईयर पास आउट हुई अनुष्ठा mm शर्मा -hmm. uh, करके जी अब ये यूनिक एग्जाम्पल है जी उसका सिस्को में प्लेसमेंट हुआ एंड शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी ओवर देयर विद हाईएस्ट पैकेज ऑफ ट्वेंटी टू लैक्स इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन एंड सी इज फ्रॉम दी वेरी स्मॉल प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश कॉल्ड एज मसूर मंदसूर डिस्ट्रिक्ट आई मीन

जिसके लिए आपको इंस्टीट्यूशन में आने के बाद में कई बार एक जरूरत होती है अच्छे गाइडेंस की कि वो ये तय कर सके कि मेरा जो प्रेसर मैं अगर तय करके आया कि मुझे आ, आई ही करना है लेकिन वो आई की फील्ड नहीं है तो मुझे किसी और दूसरे ब्रांच में जाना है तो उसके लिए जरूरत है उसको अच्छे गाइडेंस की अच्छे काउंसिलिंग की जो उसको गाइड कर सके कि आई से भी अदर ब्रांचेस है जो जिसको मैं आप अपना भविष्य बना सकते हैं तो क्या काउंसिलिंग की फैसिलिटीज़ अपने पास में है हाँ हमारा पूरा काउंसिलिंग एक टीम है जो बच्चियों को काउंसिल हम करते हैं उसमें काउंसिलर एक्सपर्ट्स हमारे आ, साथ में जुड़े रहते हैं जी आ, हमारी पूरी प्राध्यापकों की टीम है जो बच्चों को आ, पर्टिकुलर ब्रांच उनका एक खुद का एक आ, अपना चॉइस रहता है सभी का सभी बच्चियों का उनके पेरेंट्स का एक चॉइस रहता है जी ये सब चीज़ें कंसिडर करके जो भी उनके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट पॉसिबल है Uh, उनके लिए उनको थोड़ा सा कन्विंस किया जाता है और उनको ये बताया जाता है कि सिर्फ कंप्यूटर ही अकेला ऐसा सेक्टर नहीं जिसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ है कंप्यूटर के साथ में अलग अलग सेक्टर्स भी हैं जो इंजीनियरिंग के सेक्टर्स है और जो आपको एक अच्छे भविष्य तक पहुँचा सकते हैं आप सभी को uh, फिर से मैं कंविंस कॉलेज की तरफ से एक हार्दिक बधाई देता हूँ और आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप एक बार हमारे कॉलेज के कैंपस में अवश्य पधारें हो सकता है कि आप बारहवीं पास की छात्रा न हो फिर भी हमारे कॉलेज के कैंपस में आप आइए एक नागरिक के तौर पे, एक इसके तौर पे ताकि आप हमारे कॉलेज को हमारे कॉलेज का जो वातावरण है हमारे कॉलेज में जो पढ़ाई का वातावरण है वो अनुभव करें और आ, हमारे को आपके आशीर्वाद दें बिल्कुल जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे क्यों कॉलेज के पूरे डिटेल्स यहां पर चल रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं तो आप जरूर अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए खास करके महिला स्टूडेंट्स के लिए फीमेल स्टूडेंट्स के लिए आप यहाँ का रुक कर सकते हैं कैंपस देखिए अनुभव लीजिए और खुद ही डिसाइड कीजिए धन्यवाद